नमस्ते, मेरा नाम कृण्या लोलेन, प्रेसिडेंट वेस्ट यंग डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन। आज मैं यहाँ अरुणाचल वेस्ट न्यूज़ के सामने कुछ मेरा कुछ बात भी रखना चाहता हूँ और अपना एक खुशी, मतलब जो मेरे अंदर है उसको मैं शेयर करना चाहता हूँ। इस बार हमारे यहाँ से, वेस्ट यंग से, लगभग पांच क्रिकेट प्लेयर जो है, मतलब अरुणाचल टीम के लिए सेलेक्ट हुआ है। अभी फिलहाल तो प्रोबेबल लिस्ट में है, लेकिन 5 तारीख को जो वो लोग का कैंप शुरू होगा, उसके बाद अंडर 15 में उम्मीद करता हूँ कि जैसे भी वो सेलेक्ट हो जाएगा। ये गयोम आदो अंडर 19 के लिए सेलेक्ट हुआ है, वो जस्ट ये 20 को रांची में खेलने जाएगा। और उसके बाद दरगाह बागरा और गदा गत, ये दोनों अंडर 25 में, और लेमर दाब और मोमा रोरी, ये सीनियर्स में। मैं अरुणाचल टीम के लिए खेलना एक, मतलब, गर्व की बात है। ऐसे बस्ती लेवल, मतलब वेस्ट यंग से सेलेक्ट होके जाना, पहले बस्ती लेवल से खेल के आना, फिर उसके बाद वेस्ट यंग टीम के लिए खेलना, फिर वहाँ से सेलेक्ट होके अरुणाचल टीम के लिए खेलना, बहुत ही गर्व की बात है हमारे यहाँ के लिए, क्योंकि यहाँ क्रिकेट को इतना महत्व नहीं देते। महत्व इसलिए नहीं देता है क्योंकि यहाँ फुटबॉल दूसरा गेम्स एंड स्पोर्ट्स में यहाँ के जो लोग हैं रुचि वो करते हैं, तो क्रिकेट को इतना खास वो महत्व नहीं देते। तो उसी बीच में कोई, मतलब, हमारे क्रिकेट से कोई सेलेक्ट होकर आगे खेलने जाता है, तो वो मेरे लिए बहुत गर्व की बात है। तो अब सेलेक्ट होने के बाद में उसका फ्यूचर, तो शायद फ्यूचर बहुत अच्छा होने जा रहा है, क्योंकि अंडर 19 में लगभग 50,000 मिल जाता है पर टूर्नामेंट, और उसके बाद अंडर 25 में 5 से 6 लाख मिल जाता है पर टूर्नामेंट, और उसके बाद सीनियर्स में 10 लाख से ज़्यादा मिलते हैं पर टूर्नामेंट। और खेलने के लिए जाएंगे नीचे मंथली 50,000 अलग से। तो अपना अरुणाचल को रिप्रेजेंट कराने के लिए भी, मतलब, सिलेक्शन प्रोसेस से तो बहुत गुजरना पड़ता है, लेकिन मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि मेरे जो वेस्ट यंग के जो लोग हैं, जो क्रिकेट प्रेमी हैं, जो खेलते हैं, आप लोग भी थोड़ा जोर दीजिए और वेस्ट यंग के रिप्रेजेंटेटिव ज़्यादा होने तक ट्रायल दीजिए, कि ताकि, मतलब, अरुणाचल टीम में जो इस बार 5 प्लेयर है उससे ज़्यादा हमारे यहाँ से सेलेक्ट हो। आज मैं आप सबको गुजारिश करता हूँ कि यहाँ में, मतलब, क्रिकेट को थोड़ा सा महत्व दीजिए, खेल क्रिकेट को भूल मत जाइए, क्रिकेट खेलिए। और जैसे कि क्या होता है कि हर साल हमारे जो DCA के तरफ से एक टूर्नामेंट रखा जाता है, वो टूर्नामेंट जो है नवंबर टू दिसंबर में खेलाया जाता है। तो इस बार हम लोग, मतलब, COVID-19 के वजह से खेला नहीं पाया, इस बार कोशिश करूंगा खेलाने को। तो वहाँ में आप, ये होता है कि सिर्फ रजिस्टर टीम ही खेल सकता है, तो अपना टीम को भी रजिस्टर कीजिए हमारे यहाँ। उसमें ऐसे हो गया कि आपका अगर क्लब है तो पहले ही हम लोग का ये जो ऑफिशियल है, जैसे कि जो ट्रेजरर के पास भी फाइल रखा हुआ है, और ये इसके पास भी होगा, ये भी मेंबर है DCA का, तो उधर जाके, मतलब, अपना टीम को रजिस्टर कीजिए। तो पहले में रजिस्ट्रेशन खेलने के वजह से होता था, आज टूर्नामेंट में ज्वाइन किया था आप रजिस्टर हो गया था, अभी ऐसे नहीं है, अब हर साल रजिस्टर अलग से करना पड़ता है वेस्ट यंग डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन में। और उसके बाद रजिस्ट्रेशन होने के बाद में वहाँ का जो नाम है, क्लब है, और क्लब में कितना प्लेयर है, वो पूरा हम लोग लिस्ट को हम लोग ACA में भेज देते हैं। ACA वहाँ से हम लोग का रजिस्टर्ड हो गया, ये आप लोग का वो वहाँ में वो करते हैं, क्या था, रजिस्टर हो गया, वहाँ से हम लोग को लेटर भेजते हैं। लेटर भेजने के बाद में जब भी हो वेस्ट यंग क्रिकेट एसोसिएशन वेस्ट यंग टीम के लिए जब ट्रायल करते हैं, तो वही क्लब के लोग ट्रायल ले सकते हैं, बाहर से कोई नहीं होगा। तो और वेस्ट यंग टीम में चांसेस मिलने के लिए आपको कोई क्लब में रजिस्टर होना पड़ेगा, और वो रजिस्टर जो है
वो क्लब जो है हमारे वेस्ट सियांग क्रिकेट एसोसिएशन के अंदर रजिस्टर होना पड़ेगा। उसके बाद ट्रायल प्रोसेस भी आपको बाद में, मतलब वहां में जब रजिस्टर ट्रायल का समय में आपको नीचे से ईटानगर से ट्रायल करने वाले, मतलब जो अरुणाचल रिप्रेजेंट कर चुका है ऐसा प्लेयर आता है आपको ट्रायल में सिलेक्शन करने के लिए। और कभी कभी हम इस बार तो हम लोग COVID-19 का वजह से हम लोग यहाँ से, यहाँ का जो सीनियर प्लेयर है उसका जरिए हम लोग सिलेक्शन किया था, जो सीनियर हो के रिटायर्ड हो गया ऐसे प्लेयर, जैसे कि हो गया अजुंग, उसके बाद केंजो करवाक। इस बार वो लोग के जरिए हमने ये किया था ट्रायल सिलेक्शन सिलेक्शन किया था वेस्ट यंग टीम के लिए। तो उसी दौरान हमारे जो वेस्ट यंग टीम है दोईमुख में, हम लोग ये सेकेंड तादोपोली मैच 2021 का जनवरी फरवरी को खेला था। खेलने के बाद में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस देके सेमीफाइनल में हम लोग हार गया। तो वहाँ से जो लड़का, मतलब पहले से हम लोग वहाँ में ये एशिया का तरफ से मतलब देखा जाता है कि कौन अच्छा खेलता है कौन खराब खेलता है। तो उसके बाद फिर वहाँ में ईटानगर में एक ट्रायल होता है, ईटानगर में ट्रायल होता है, वो एज वाइज कैटेगरी में होता है, अंडर 19, अंडर 25 और मेंस, और उसके बाद में वीमेंस के लिए भी होता है। तो हमारे यहाँ से अगर रजिस्टर होके आप जो वहाँ में ट्रायल में गए तो आपको मतलब वहाँ में ट्रायल देने का चांसेस मिलेगा। एज पर दी एशिया का नोटिफिकेशन के हिसाब से जो भी प्लेयर ट्रायल देने जाता है उधर वेस्ट यंग, अपना डिस्ट्रिक्ट का जो क्रिकेट एसोसिएशन है उसके अंदर रजिस्टर होना ही पड़ता है। तो उसके बाद वहाँ से सेलेक्ट करते हैं। सेलेक्ट करने का इस बार जो है, मतलब मैं अभी वही पहले बताया था, 5 प्लेयर जो है सेलेक्ट हो गया। और उसके बाद वीमेंस का भी बात करेंगे थोड़ा। वीमेंस क्रिकेट तो हमारे यहाँ कोई खेलने वाला तो है नहीं, तो एक ही है जो रिप्रेजेंट करता है वेस्ट सियांग को, वो भी क्या था, मिस मारी यादव। वो भी सीनियर प्लेयर है वुमेन का, अरुणाचल वुमेन टीम में वो सीनियर एज ए सीनियर प्लेयर रिप्रेजेंट करते हैं। तो लड़कियों को भी मतलब मेरे तरफ से दरखास्त है कि थोड़ा क्रिकेट को आप भी मतलब एक प्रोफेशन के तौर से, प्रोफेशन जैसे आप बना के खेलिए, आपके लिए भी फ्यूचर है क्रिकेट में। और लड़कों को भी मैं ये दरखास्त करता हूँ कि क्रिकेट को भी अपना प्रोफेशन बनाइए, इसमें भी अपना फ्यूचर है। अगर आपका परफॉर्मेंस अच्छा है तो आपको बहुत आगे, आप रणजी रणजी खेलेगा हमारे यहाँ से, अरुणाचल को रिप्रेजेंट करेंगे। और उसके बाद में मंथली फी मिलेंगे आपको, और उसके बाद मैच टूर्नामेंट फी मिलेंगे, कम से कम आपको एक एक साल में तो 10-15 लाख मिल जाता है आपको। तो वो सब सोच के आप उसको उसे भी मतलब अपना प्रोफेशन में करियर के लिए थोड़ा सोच के आप क्रिकेट क्रिकेट को मतलब थोड़ा इंटरेस्ट दीजिएगा। थैंक यू इतने। थैंक यू सर। सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशंस वेस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन। तो आप, जैसे कि आपने कहा, आपके यहाँ से इस साल 5 प्लेयर सेलेक्ट किया गया है। सर बताइएगा, आपने कहा जो स्टेट के लिए खेलते हैं उसे एज कैटेगरी वाइज, किसी को 50,000, किसी को 5 लाख, किसी को 10 लाख पर टूर्नामेंट में मिलते हैं। सर मैं जानना चाहूँगा, आप हमारे व्यूवर्स को बताइएगा, इस जो फाइनेंशियल एड जो है, फाइनेंशियल हेल्प जो मदद जो है, इसको किसका तरफ से देता है? मतलब आपका बोर्ड, आपका एसोसिएशन देता है या अरुणाचल बोर्ड देता है या कौन देता है? ये अरुणाचल बोर्ड देता है, बीसीसीआई से फंडिंग होता है इसका। ओके, बीसीसीआई, बीसीसीआई से देता है सीधा। ओके सर, मैं जानना चाहूंगा आपसे, अब तक कितने प्लेयर जो है वेस्ट सियांग से अब तक नेशनल लेवल में खेल चुका है क्रिकेट में, इंक्लूडिंग जूनियर सीनियर? अब तक वेस्ट सियांग से 2 खेला है, एक मोमार ओरी और एक दारगर। उसके बाद में वीमेन में बोलने से मारी यादव। तो अभी इस बार पहली बार होगा शायद, इस बार पहली बार होगा जो 5 प्लेयर अरुणाचल को रिप्रेजेंट करेंगे। थैंक यू। अच्छा, तो जैसे ये फाइनेंशियल एड जो जो है, तो क्या ये वुमेन वुमेन प्लेयर्स को भी मिलते हैं, वुमेन्स को भी मिलते हैं? ओके तो सर फाइनली मैं आपसे जानना चाहूँगा, आलो में फिलहाल ग्राउंड ही नहीं है, तो इस प्रॉब्लम में आप यहाँ से प्लेयर को किस तरह से सेलेक्ट किया जाएगा और प्रैक्टिस कहाँ पे?
आप करवाते हैं? आलो में ग्राउंड नहीं है, इसलिए बहुत प्रॉब्लम है हमारे लिए भी। तो हमने कम्बा में ट्राई किया था, कम्बा में ये ग्राउंड वो करने के लिए, मिनी स्टेडियम के लिए भी हम ट्राई कर रहा था। तो वो तो अभी तक ऑन प्रोसेस में है। और उसके बाद 2019 को एक टूर्नामेंट खेलाया था हम लोग कम्बा में, वही हमारा फर्स्ट था आफ्टर रजिस्टर्ड अंडर ये क्या था अरुणाचल क्रिकेट एसोसिएशन, वही हमारा फर्स्ट टूर्नामेंट था। तो वो भी वहाँ में टूर्नामेंट खत्म होने के बाद में जो ट्रायल होता है, वो ट्रायल को हम जुर्दीन में कराते हैं। और उसका नोटिफिकेशन भी आउट हम लोग का जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें हम लोग आउट कर देता है। वहाँ से प्लेयर जो है रजिस्टर्ड टीम रजिस्टर्ड क्लब का हम लोग का ग्रुप है, तो उसमें हम लोग नोटिफिकेशन आउट कर देता है। नोटिफिकेशन आउट करने के बाद में सिलेक्शन प्रोसेस के लिए जो 2020 में हम लोग जो है ईटानगर से ये लाया था, सिलेक्शन कमेटी लेके आया था। और उसके बाद में 2000 प्रीवियस ईयर हम जो है हमारे यहाँ का जो सीनियर मेंबर्स जो DCA का था, जैसे कि अजुमगा अत हो गया, उसके बाद केंजो करबाक हो गया, लुमी काय हो गया, वो सबसे सेलेक्ट कराया था। ओके सर, आप एक डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन का वेस्ट यंग का प्रेसिडेंट है, तो मैं आपसे जानना चाहूंगा हमारे पब्लिक का ओर से इस आपका एसोसिएशन को मतलब कुछ मदद या कुछ एनकरेजमेंट। वैसे वेस्ट यंग डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन को कोई यहाँ से बैकिंग नहीं है, मतलब हम खुद मतलब जो क्रिकेट प्रेमी है एक एसोसिएशन बनाया, बना के ये बार मेरा फर्स्ट टेन्योर है और ये आने वाला साल मेरा ख़त्म हो जाएगा 3 साल के लिए। तो पूरा खुद अपना फाइनेंशियल वो करके हम लोग इसको कर रहे हैं। ओके, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।